नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़े साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। नवरात्रों में ऐसा कौन सा उपाय लौंग का करें कि जिससे हम अपनी मन्नत, अपनी मुराद बहुत आसानी से पूरी कर सके, तो चलिए जानते हैं। इस टाइम बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि 108 लौंगों की एक माला बनानी है। माला कैसे बनानी है, जो आपको एक कलावा लेना है और हर लौंग को आपको कलावा से बांधते जाना है, यानी 108 लौंगों को लगातार आपको कलावा के साथ बांधते चला जाना है। कैसे बांधना है कि लौंग का जो फूल है वो नीचे की तरफ रखना है और जो ऊपर का जो मतलब जो उसकी पूंछ होती है उससे आपको कलावा को, जैसे एक माला होती है जिससे हम जाप करते हैं, वैसे आपको माला बनानी है। जैसे जैसे आप कलावा को लौंग को कलावा से बांधते जाएंगे, एक मंत्र साथ जपते जाएंगे, चाहे ओम दुम दुर्गाए नमः, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, जो आपको माता रानी का मंत्र आपको आसान लगे वो मंत्र आप जप सकते हैं। और जैसे भी आप जैसे पूरी जैसे आप पूजा करते हैं, ज्योत बत्ती करते हैं, उसके बाद आपको लौंग का ये उपाय करना है। और साथ ही आप जैसे जैसे उसमें लौंग बांधते चले जाएंगे, 108 लौंग, और सब लौंगों पे आपको सिंदूर से एक एक टीका लगाते चले जाना है, और जो भी आपकी मन्नत है वो मन में आपको बोलते चले जाना है। जब 108 लौंग आप लगा देंगे, आपकी माला पूरी हो जाती है। फिर आपको एक लौंग और लेनी है जिसको उल्टा करके दोनों धागों से बांध देना है। फिर अपनी मन्नत बोलने के बाद आपको माँ से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मन्नत है, जो भी आपकी मुराद है वो माँ से पूरी करने को कहनी है। और कहीं भी आपके आसपास मंदिर है, जहाँ दुर्गा माँ का मंदिर हो, वहाँ जाके आपको वो माला अर्पित कर देनी है और साथ ही अपनी जो मन्नत है वो बोल देनी है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप देखेंगे आपकी जो भी मन्नत होगी माता रानी जरूर पूरा करेंगी। तो ये लौंग का आप चमत्कारी उपाय नवरात्रों में करके जरूर देखिए, आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट और लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।